हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल AR ब्लॉग इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि दोस्तों, हम जंगल के अंदर आए हैं और देखिए, हमें कुछ नील गाय का ग्रुप दिख चुका है, जिसमें से कई सारे बच्चे और कई सारे मादाएं हैं। कुछ काले वाले भी नील गाय नर नील गाय है। और जैसे हमारी आर्ट पाके ये थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं, आप लोग देखिएगा वीडियो में, ये काफी दूर जा रहे हैं, भाग भी रहे हैं कुछ। तो थोड़ा सा इनके करीब चलते हैं और वीडियो बनाते हैं इनकी। तो दोस्तों, ये काफी दूर जा रही है भागते हुए। देखिए, वो एक काली वाली नील गाय, वो भी एक मादा है, काफी तेज भाग रही है। वो शायद काफी दूर हमसे, उसी के पीछे सारे जाएंगे, आप लोग देखेंगे वीडियो में। एक एक करके लाइन से यही भी चलते हैं, वो लाइन से चलते हैं, ये हमारी तरफ कुछ देख भी रहे हैं, वो लाइन से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, काफी बड़ा ग्रुप है इनका, काफी ज्यादा तादाद में है। एक बच्चा है, बहुत ही छोटा सा बच्चा है, वो शायद आज ही या कल का बच्चा है, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा है दोस्तों। तो देखिए, काफी जबरदस्त वीडियो हो रही है दोस्तों। और ये देखिए जंगल है दोस्तों, ये जंगल है, पूरा जंगल है। और जंगल पे डेली हम वीडियो बनाने के लिए आते हैं। सामने हाईवे है, गाड़ी उधर पार्क करते हैं, फिर इनको वीडियो बनाने के लिए इनको ढूंढ के हम जिधर मिलते हैं उधर वीडियो इनकी बनाते हैं। तो ये खड़ी होकर देखिए किस तरह से देख रहे हैं, बिल्कुल ये बच्चा है दोस्तों, काफ़ी छोटा सा बच्चा है ये वाला, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है। और ये देखिए, सारी मादाएं हैं, कुछ नर भी हैं, उनको भी दिखाते हैं आप लोगों को। वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। एक भाग के इधर आ गई, ये देखिए काफी तेज भाग रही है। अगर आप लोग हमारी वीडियो डेली देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जहाँ वीडियो बनाने आते हैं, कई सारे ग्रुप में कई सारे नील गाय, यानी कि अगर पूरी नील गाय इकट्ठे हो जाए तो 100-100 ऊपर होंगी। और पीछे वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, जब ठंडी का सीजन होता है तो सब एक साथ बैठती हैं, यानी कि ठंड होने के कारण एक साथ बैठती हैं। और इधर एक मैदान पड़ता है, घास का मैदान है, काफ़ी ज़बरदस्त घास का मैदान है, काफ़ी ज़्यादा घास होती है, उसी घास के मैदान में सारी नील गाय इकट्ठे बैठते हैं, तो ग्रुप ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब गर्मी का सीजन आ गया, धूप काफ़ी तेज हो चुकी है दोस्तों, तो कुछ नील गाय इधर बैठती है, कुछ उधर बैठती हैं, जिसके जहाँ पे छांव मिल गई वहाँ बैठती हैं। और दोस्तों, अब लोग देखिए काफ़ी ज़्यादा तादाद में है यहाँ पे, देखिएगा। और दोस्तों, ये फसल के खेत में अगर घुस गई, गेहूँ खेत में घुस गई, तो गेहूँ की फसल को भी नुकसान पहुँचाती है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है गेहूँ की फसल का। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, धीरे धीरे करके ये यहाँ पर आ चुकी है, काफ़ी दूर लंबा सफ़र करके काफ़ी तेज भाग के इधर आ चुकी है। और सामने देखिए सरसों का खेत है, अगर ये सरसों के खेत में सारी घुस जाएंगी तो सरसों के खेत का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये देखिए लाइन से चलती है दोस्तों, एक गई है, दूसरी आ रही है, फिर दूसरी आ रही है, ये बड़ी मस्ती के साथ एक दूसरे के साथ एक दूसरे का पीछा करती हुई है। देखिए फिर एक आ गई, फिर एक आ गई, इस पेड़ की आड़ से देखिए निकल रही हैं और ये चल रही हैं। तो दोस्तों, इनकी वीडियो बनाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जंगलों में आना अच्छा लगता है, इनकी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाना अच्छा लगता है। आप लोग देखते हो, हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, आप लोग हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर भी करते हो। तो यहाँ पीछे देखिए कोई भी नील गाय नहीं बची हुई है, सारी नील गाय वहाँ पर पहुँच चुकी है। अब सबसे आगे ये भागती है, ये वाली दोस्तों बहुत तेज़ भागती है। तो दोस्तों, यही एक घास का मैदान है, आप लोग देखिएगा काफ़ी बड़ा मैदान है और कुछ पेड़ भी है। इसी मैदान में ये रात बिताती हैं, यहीं पर रहती हैं और अपने बच्चों के साथ यहीं पर सोती हैं। और कुछ नर भी होते हैं जो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा ग्रुप बनता है, तो यहीं पर सब रहते हैं। और देखिए कैमरे में, देखिए कहाँ तक ये ग्रुप है, वो सब घास का मैदान है, काफ़ी बड़ा मैदान है और सब जानवर यहीं पर रहते हैं, जितनी नील गाय हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इधर से भाग के उस साइड आ चुकी हैं और वहाँ पर आगे किस तरह से ये खड़ी होकर हमको देख रही हैं, ये देखिएगा। अभी हमको देख रही थी, अब सोच रही है इंसान हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये भौचक्के होकर देखते रहती हैं इंसानों को, कोई इंसान इन पर हमला ना कर दे, इनकी इनको दौड़ाए नहीं, इसीलिए इंसानों की तरफ हमेशा मुंह करके खड़ी हो जाती है, देखा करती है इंसानों को। तो देखिए किस तरह से हमारी तरफ खड़ी होकर देख रही है। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जंगल और फॉरेस्ट के बीच की जो वीडियो होती हैं, जो भी जानवर होते हैं, जो भी एनिमल होती है, उनकी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड किया करते हैं, आप लोगों को दिखाया करते हैं। जंगल में रहने वाले वन्य जीव कैसे जंगल में अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरह से रहते हैं। तो दोस्तों, ये अद्भुत वीडियो होती है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि जंगल में रहने वाले वन्य जीव पर बनी हुई वीडियो रोमांच भरी वीडियो होती है, क्योंकि एक एक पग में, एक एक मिनट में क्या से क्या हो जाए, कौन सा जानवर किस पे हावी हो जाए, और इनके बीच बहुत ही भयंकर युद्ध होता है, यानी कि लड़ाइयाँ होती है। जब भी एक नर दूसरे नर के सामने आता है तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में काफ़ी भयंकर लड़ाई होती है। तो देखिए, सारे जानवर का, सारे नील गाय हमारी तरफ देख रहे हैं, और इनके छोटे छोटे बच्चे किस तरह से अपनी माओ के पास बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। तो
आप लोगों को उम्मीद है वीडियो काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे वीडियो देख रहे हैं तो वाकई में वीडियो आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो एक बार एक कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो हम जैसे अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और देखिए बताइए बस बोला ना कि पगमग में नया रोमांच भरा वीडियो होती है जंगल में रहने वाले जानवरों के बीच में। तो दोस्तों इस नील गाय का चेहरा आप लोग देख सकते हैं, अगर देख पा रहे होंगे तो दोस्तों ये हमसे काफ़ी दूर है, फिर भी हम कैमरे को जूम करके इसी के ऊपर रखे हुए हैं। इसके चेहरे पे चोट शायद लगा हुआ है क्योंकि इसका जबड़ा थोड़ा सा हिला हुआ दिख रहा है आप लोगों को, देखिएगा जूम करके फिर से दिखाते हैं। ये देखिए इसके दांत दिख रहे हैं हल्के हल्के, इसके जबड़े में चोट लगी हुई। जब भी फाइट होती है दोस्तों तो काफ़ी भयंकर फाइट होती है, तो उसी फाइट में एक दूसरे को चोटें भी भयंकर आ जाती हैं, तो शायद उसी फाइट की वजह से इसको चोट आई होगी। तो जैसे ही दोस्तों हम घूम के दूसरी तरफ आए हैं तो देखिए ये यहाँ पर बिल्कुल सरसों के खेत के पास आ चुके हैं, और वहाँ से जो पेड़ के छाँव में खड़े हुए थे और वहाँ से आ, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ तो ये वहाँ से इधर आ चुके हैं। और देखिए किस तरह से ये खड़े होकर हमारी तरफ देख रहे हैं। और ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जानवर होता है, और ये जंगल में पाए जाने वाला एक ऐसा जानवर होता है जिससे किसी से कोई मतलब नहीं होता, बस अपना अपना जो कि कोई जानवर होते हैं वो इंसानों पर हमला करते हैं, इंसानों से दूर रहते हैं, इंसानों से बच के रहते हैं। और जंगल में पाए जाने वाला एक यही जानवर है जो शुद्ध शाकाहारी होता है, सिर्फ जंगलों में पाए जाने वाले घास पत्तियाँ और खेतों में फसल उगती है उसी को खाकर अपना पेट अपना जीवन यापन करते हैं, अपने पेट को पालते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये नर है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है, इससे भी ताकतवर नर इस ग्रुप में है, लेकिन आज कहीं ना कहीं इधर से उधर जा चुके होंगे। तो दोस्तों यही ग्रुप हमको दिखा है और दूसरा ग्रुप ढूंढते हैं, हम उसको भी दिखाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। उस ग्रुप में हो सकता है कि नर हो, जिसे आप लोग हमारे पहले वीडियो में देख चुके हैं, जो पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं उनमें देखा होगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे फिर से उसी छांव में उसी पेड़ के नीचे उसी दरख्त के नीचे ये फिर से पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों ये जहाँ पर हम थोड़ा सा इनके पास में आए थोड़ा करीब आए तो फिर से वहीं पहुँच चुके हैं। देखिए किस तरह से मस्ती कर रहे हैं उस पेड़ के नीचे, और मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा है, काफ़ी ठंडा मौसम हो चुका है, गर्मी यानी धूप बहुत कम हो रखी है अब, नहीं तो पहले काफ़ी धूप थी। दोस्तों और भी थोड़ा इनके करीब चलते हैं। तो दोस्तों जैसे पहले आप लोगों को पहले मैंने बताया था कि अगर कोई नील गाय अकेला चलती है तो उसके पीछे पीछे उसका ग्रुप चलने लगता है। देखिए ये चल पड़ी थी, इसके पीछे पीछे ग्रुप चल पड़ा है, और देखिए किस तरह से ये बड़ी वाली जो नर मादा है ये किस तरह से अपने ग्रुप में रहने वाली छोटी मादाओं पर अपना रोब जमाती है, अपना हक जमाती है कि जो मैं करूंगी वही आप लोग करोगे, उसी को दोहराओगे। ये आगे बढ़ी थी, उसके पीछे पीछे ये मादाएँ चल पड़ी थी, और देखिए अब खड़े होकर किस तरह से हमको देख रही है दोस्तों। और ये यहाँ पे आई थी इस तरफ सरसों के खेत, सरसों के खेत में जो भी घास उगती है उसको खाने के लिए आई थी, बट अब सरसों के खेत में आ चुके हैं तो ये सरसों के खेत से थोड़ा दूर चली जा गई, थोड़ा दूर निकल गई हैं सरसों के खेत से। और दोस्तों उस तरफ कुछ गेहूँ के खेत है, वहाँ जाएंगी तो वहाँ पे जाएंगी शायद, वहाँ पे गेहूँ की फसल खाने का इनका मन है। तो धीरे धीरे वो आगे चल बढ़ने लगी है, उसके पीछे पीछे ये पूरा ग्रुप चलेगा, भी देखना एक लाइन से किस तरह से चलेंगी ये। और ये सबसे आगे जा रही है, उसके पीछे ये है, उसके पीछे ये है, उसके पीछे एक नर है। और दोस्तों अगर आप लोगों को नीलगाय की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।